हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेयः ज्ञानो वैराग्यश्चैव सान्यं भगो इत्यङ्गन ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेयः ज्ञान वैराग्यश्चैव सान्यं भगो इत्यङ्गन। गौड़ीय गोष्ठी भक्ति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, बद्ध जीव अपना इंद्रियों ग्राम के द्वारा अपना विचार बुद्धि के द्वारा भगवान को समझ नहीं पाते। गौड़ीय गोष्ठी भक्ति सिलसिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत भोपा परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, बद्ध जीव अपना विचार बुद्धि तथा इंद्रियोग्राम के द्वारा जड़ इंद्रियोग्राम के द्वारा भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान अध्यक्ष जो वस्तु है, भगवान अध्यक्ष जो वस्तु है और हम लोग इस जगत का अक्षय वस्तु जो है, ये अक्षय वस्तु का बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, बाकी अध्यक्ष जो वस्तु का बारे में हमारा कोई जानकारी नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। प्रभुपाद कहते हैं अध्यक्ष जो वस्तु का सेवा कोई नहीं करना चाहता है क्योंकि समझता ही नहीं, लेकिन अक्षय वस्तु का सेवा हर आदमी करना चाहता है। इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर, अक्षय वस्तु का सेवा हर आदमी करे, बिना बुलाए बिना पूछे सब कर दे, ये ऑटोमेटिक है, आश्चर्य है। अध्यक्ष वस्तु का बारे में प्रभुपाद जी ने विचार बताया, जो वस्तु इंद्रियों से परे है, प्रकृति परो यशो तद अचिंत्य लक्षणम, प्रकृति का परे है, हरिर् ही निर्गुणो साक्षात पुरुषः प्रकृति परे, प्रकृति का अंतर्गत जो विषय ये नहीं है, पूरा अलग सा चीज है। हमारा विचार बुद्धि के द्वारा ये समझना बहुत मुश्किल है। वो बात कहते हैं जो इंद्रियों के द्वारा समझने का बाहर है, इसी का नाम है अध्यक्षज वस्तु। आजकल तो ऐसा हो गया, भगवान का ऊपर रिसर्च चले, अध्यक्षज वस्तु का ऊपर रिसर्च करके थीसिस पेश करता है, पागलपंती गवेषणा करता है, रिसर्च गवेषणा। गवेषणा शब्द का अर्थ क्या है? गवेषणा शब्द का अर्थ व्याकरण में विचार करो तो वहाँ कैसा आता है, गौ युक्त ऐशना, गौ युक्त ऐशना अर्थात इंद्रियोग्राम तथा जड़ बुद्धि का संचालन के द्वारा जो हमारा समझ में आया, इसका नाम है गवेषणा, गौ युक्त ऐशना। लेकिन भगवान तो प्रकृति का परे है और हमारा इंद्रियोग्राम बुद्धि विचार सब तो मेटेरियल है, तो भगवान को कैसे हम समझे? जब भगवान खुद ही बता दिया गीता में, भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धि रिवच अहंकार इतियम में प्रकृति रस्त होता है। भगवान बोला मेरा प्रकृति आठ किस्म का डिवीजन
आठ प्रकार का डिवीजन लगाकर सेवा करता है। तो बुद्धि विचार इंद्रियों सब मेटेरियल है, अप्राकृत वस्तु को भू प्राकृत को चुनना है। कैसे हम समझे, ये तो पूरा विचार पक्का विचार है। अदक्ष जो वस्तु कभी हमारा गवेषणा का विषय नहीं हो सकता। बंगला में एक प्रवचन भगवान का कृपा से हुई है दो दिन पहले। ये गुरु वैष्णव भगवान बा श्रीमद् भागवत जी महापुराण, ये सब हमारा जड़ विचार का आसामी नहीं है। हमारा जड़ विचार का आसामी नहीं है। ये जो भगवान गुरु वैष्णव भगवान या श्रीमद् भागवत जी महापुराण, ये सारी जो चीज़ है ये हमारा जड़ विचार बुद्धि दुर्गम दूषित, ये विचार का कोई आसामी नहीं है कि हमको इसको पकड़ के हम अपना विचार का अदालत में पेश करेंगे। ये पागलपंथी छागलपंथी, कई बार ये सब चर्चा हो गया। परम कृष्ण कृष्ण माँ भी कहते थे, प्रभुपाद कहते थे, गुरुवर्गो जो गुरु वैष्णव भगवान कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू माय सेंसर। हमारा जोरो विचार बुद्धि का, हमारा जो नापने वाला विचार है, हमारा थर्मोमीटर के द्वारा स्केल के द्वारा मापने कैसा कितना लंबाई है चौड़ाई है, ऐसा चीज़ नहीं है। अदक्ष जो वस्तु इतना सस्ता चीज़ नहीं है। इसीलिए जीव गोस्वामीपाद जी ने संदर्भ में लिखा है, अधक्षितो अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जेनो इति अधक्षज। अधक्षितो अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जेनो, जेनो माने जिनके द्वारा, जेनो माने जिनके द्वारा हमारा जड़ बुद्धि विचार विवेक सब कुछ जो है हैं, हमारा जोर बुद्धि विचार जो कुछ भी है सब कुछ को फालतू प्रमाण करके, फालतू धक्का देकर नीचे फेंक कर, जो अपना महिमा अपना महान महिमा से विराजमान रहता है, अपना महिमा में विराजमान है, इसका नाम अधक्ष। जो हमारा नापने वाला विचार हमारा सब कुछ को एक लात लगाकर फालतू प्रमाण कर अपना महिमा महान महिमा में विराजमान रहता है, इसका नाम है अधक्ष। अधकृतो अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जेनो इति अधक्ष। प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद विचार कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा जो चीज़ मापा नहीं जाए नापा नहीं, इसका नाम अधक्ष। अधक्ष जो अर्थात इंद्रियो ज्ञानातीतो व अतीन्द्रिय, अधक्ष जो शब्दों का अर्थ है इंद्रियो ज्ञानातीतो व अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय वस्तु उसी अप्राकृत वस्तु, वही अप्राकृत वस्तु जो आज तक मेरा पकड़ में नहीं आए और इन्फिनिटी काल पे अनंत काल में पकड़ में आने वाला भी नहीं है, ठीक ये अवक्ष जो वस्तु को, ये अप्राकृत वस्तु जब सेवन्मुख इंद्रियों सेवन्मुख अतः हमारा इंद्रियो ग्राम ये अवक्ष जो वस्तु का सेवा के लिए जब हृदय में इच्छा प्रकट करती हैं सेवन्मुख इंद्रियों के द्वारा अपने आप स्वराट वस्तु, ये स्वराट वस्तु है अपने आप अवतीर्ण होते हैं, अवतीर्ण होके मेरा उपलब्धि का विषय बन जाता है।
अनुभव का विषय बन जाता। नहीं तो कृष्ण तत्व, नहीं तो कृष्ण तत्व, नहीं तो कृष्ण तत्व ये जगत का सबसे बड़ा बड़ा पंडित हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं पंडित, तो सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता विचार लोग बल अर्थ बल के द्वारा किसी भी हालत से इवन पार्शियली कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, सामान्य रूप में भी हमारा सामने प्रकाशित होने वाला नहीं है। सेवन मुखे ही युवायम आदो स्वयमेव स्फुरत आदो, सेवनमुख जिह्वा के जिह्वा अगर सेवनमुख तमाम इंद्रियोग्राम अगर सेवा करने के लिए उन्मुख हो गया, इस समय सेवनमुख जिह्वायम आदो स्वयमेव स्फुरत आदो, नहीं तो कृष्ण तत्व जागतिक सर्वश्रेष्ठ पांडित्य सर्वश्रेष्ठ साधना सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता विचार शक्ति किसी भी हालत से ये सब लोग बल अर्थ बल किसी के द्वारा इवन पार्शियली कैन नॉट बी नोन, सामान्य रूप में भी जाना नहीं जाए। लेकिन बहुत सारे आदमी ज़्यादातर आदमी प्राकृत लिटरेचर साहित्य बा मेटेरियल दार्शनिक विचार ये सब अप्राकृत अधोक्ष जो वस्तु के ऊपर अप्लाई करके अपना बुद्धिमत्ता का प्रमाण करना चाहता है, मतलब भगवान में भोग बुद्धि करना चाहता है। भगवान के बारे में हम लिखेंगे, हम समझेंगे भगवान कैसा है। अरे जब रूप गोस्वामी और अश्वामित्र सिंधु लिखने के लिए चिंता की, अश्वामित्र सिंधु लिखने के लिए तो रूप गोस्वामी बड़ा दैन्य कसा इतना शर्म के मारे मिट्टी में मिल गया। भक्ति अश्वामित्र सिंधु में इतना शर्म के मारे मिट्टी में मिल गया, बोले देखो भगवान मैं तो बराक रूप हूँ हम क्या लिखे। और सनातन गोसाई पाद जब दसम टिप्पणी लिखे हैं उसमें रास गोपियों का भाव के बारे में शर्म के मारे सर झुकाए और रोते रोते बताएं गोपियों के बारे में हमारा कोई जानकारी है नहीं, ये तो आपस का मामला है, कृष्ण गोपियों के बारे में जानता है गोप और कृष्ण के बारे में गोपियों का जो विचार है ये बाहर का कोई आदमी जान नहीं सकता, किसी का हिम्मत का बात नहीं है, हम क्या करें ऐसा करके। लेकिन जड़ जगत का आदमी जो अहंकार के मारे हर वक्त क्या करता है, अहंकार का मारे ये अपना पावर दिखाता है, अपना क्षमता का प्रयोग करके दिखाता है। इसलिए ना तो बंकिम बाबू ना तो विद्या का सागर जिसका नाम है जड़ जगत का विद्या का सागर, ये भी भव सागर पार करने में समर्थ नहीं हो पाए। विद्या का सागर है लेकिन भव सागर पार नहीं कर पाए। भवार खाले बंगाली में एक मजेदार बात है, भवार खाले डूबे मोर, भवार खाले एक डीच है इसमें डूब के खत्म कर दिया सब कुछ, ये संभव नहीं। वैकुंठो बा अदक्ष जो वस्तु तुरियो वस्तु जानते हो, जैसे जागृत है आप अभी जागृत अवस्था में हैं, सेंस ऑर्गन मन बुद्धि सब आपका साथ लिंक जोड़ा हुआ है जागृत अवस्था में,
कोई पूछे तो उत्तर दो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब सोओगे तब क्या होगा? ये कौन है जो सुबह में उठकर अगर किसी ने बताया काल रात को मेरा सुंदर गाढ़ा नींद हुआ, नींद हुई, ये किसने अनुभव किया? आप तो सोया थे। मतलब ये जो आत्मा है इसका अनुभव है। जागृत, सपनों, सुषुप्ति, अतुरी अवस्था, स्वप्न अवस्था में तो जानते हो क्या होता है। सुषुप्ति में थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, लेकिन तुरी अवस्था तो एकदम बियॉन्ड थ्री डायमेंशन। वैकुंठ व अध्यक्ष जो वस्तु तुरियो है, जड़ जगत का जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के द्वारा ये अध्यक्ष जो वस्तु का बारे में कोई ध्यान धारणा करना ठीक नहीं। जो वस्तु व व्यक्ति मेरा पकड़ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, उसको उसका इसके बारे में उल्टा सीधा बोलना उचित नहीं है। विद्यासागर जी महाराज एक दफे अपना कॉलेज में लेक्चर देने का समय बताया, जो भगवान निराकार निर्विशेष है, ऐसा करके जब हमारा पकड़ का बाहर हो जाता, जब कोई वस्तु मेरा पकड़ का बाहर हो जाता, कुछ ना कुछ आर्गुमेंट तो खड़ा कर देगा। बचपन में पढ़ा था एक जैकल गिदर, वो एक अंगूर का पेड़ में उछल रहा है अंगूर खाने के लिए, लेकिन ये इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, वो बहुत सारे कोशिश की लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। अंतिम में बहुत एनर्जी चला गया, जाने के बाद वो बोले ये ग्रेप्स आर सावर, ये खट्टा है, ये खाना उचित नहीं है, बोल के कंसोलेशन दे के मन को आगे बढ़े। विद्यासागर जी महाराज इनके पकड़ में नहीं आया भगवान क्या वस्तु है, क्या चीज है, है? और जड़ जगत का ऐसा भी सारा, सारे जगत को छानबीन करो, कितना आदमी भगवान को विश्वास करे, भगवान का सर जड़ जगत का साधु, जड़ जगत का जो साधु का कंसेप्शन है, साधु ये शब्दों का कोई परिचय है? अगर होता तो क्यों वो व्यक्ति के इतना सम्मान देता जगत में, पूरा जगत में, जिसको एक बूंद भी जानकारी नहीं है भगवान के बारे में, जिन्होंने बताया गीता पाठ करने से इससे अच्छा है फुटबॉल खेलना, जिन्होंने बताया तुलसी पेड़ का पीछे समय खराब नहीं करके वैगन गाछ में पानी देना अच्छा है, तो क्या साधु है? लेकिन दुनिया क्यों इसको सम्मान दिया, दुनिया क्यों इसको सबसे बड़ा सम्मान दे दिया? ये माया देवी का प्रसाद है, पकड़ में नहीं आया। तो जब कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ ना कुछ बयानबाजी, कुछ ना कुछ बयानबाजी कर देते हैं। तो विद्यासागर महाराज जी एक दिन बयानबाजी कर दिया, भगवान निर्विशेष निराकार है। भक्तिविनोद ठाकुर उस समय कॉलेज में स्टूडेंट का लीला किया, छात्रों खड़ा होकर बता दिया, पंडित मसाई आपने क्या भगवान को देखा? निर्विशेष है, निराकार है, निर्गुण है, देखा? विद्यासागर ने कुछ जवाब दे नहीं पाया। आपने तो आपका किताब शुद्धोदय, आपने तो आपका किताब शुद्धोदय इसी किताब में आपने लिखा है, जो आप देखता नहीं
जो आप समझते नहीं उसका बारे में कुछ नहीं बताते। ये तो आपने खुद लिखा है, आपने लिखा है जो चीज आपका पकड़ का बाहर है, हम समझ नहीं पाते हो, कुछ नहीं समझ, उसका बारे में हम कुछ बोलते नहीं हो, तो क्या आपने देख लिया? भगवान निराकर है। विद्याधर जी ने सर झुका लिया। आजकल का जमाना होता तो ये स्टूडेंट का ऊपर कुछ कर देते, लेकिन तब के जमाने में ऐसा मूड किसी का प्रतिशो, आजकल तो गुरु जी का कुछ फॉल्ट देख लिया वो शिष्य को लात लगा के मठ से बाहर कर देते। गुरु जी ये कर रहे हैं, देख लिया बस, वो देख लिया बस, वो क्या करे, उसको हटाओ, उसको थोड़ा इल्जाम देके हटा दो मठ से भाई, ये अच्छा है, कुछ भी हो जाए, पावर है ना हाथ में, लॉ मेकर इज अ लॉ ब्रेकर, हमारा लॉ मेकर जो है वही ब्रेकर है, जगत का सारे सिद्धांतों नियम है आचरण सब मेरा लिए, आप लोगों के लिए नहीं। और ये आचार्यों का क्या विचार है, ये लोगों का जगत का सारे जो आचार आचरण है ये आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। लेकिन बामन गुस्से में बोलते थे सब हमारे लिए, आप लोगों के लिए, आप पालन करें ना करें हम क्या करें। ऐसा ही अवस्था हालत है दुनिया का। सो जिस चीज का बारे में आपका कोई कंसेप्शन नहीं है उसका बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सही रास्ता भी जाना है, हाउ टू नो। जैसे भगवत भगवान के बारे में अध्यक्ष वस्तु के बारे में जानकारी संभव नहीं, तो कुछ तो रास्ता होगा, नहीं तो वेद वेदांत तो उपनिषद पुराण तमाम चीजें इतना मरीज क्या क्या ये लोग क्या करके किया, कुछ तो होगा रास्ता। आदमी का अंदर में तसल्ली नहीं है, कुछ नहीं है, वो सुनना नहीं चाहता। इतना क्रेजी हो गया वर्तमान समाज, जितना भी प्रमाण दो शास्त्र ना, वो सुनने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। भगवान अध्यक्ष जो तुरियो पूर्ण वस्तु, ये कभी निर्विशेष हो नहीं सकता। आकार से आकार आता है, निराकार से आकार नहीं आता है। जैसे पानी को अब मंथन करो, क्या पानी से क्या मक्खन आएगा, कैसे आएगा महाराज? क्योंकि पानी से तो पानी का अंदर में पोटेंशियल नहीं है ना, लेकिन दूध को मंथन करने से दूध से मक्खन आएगा। क्यों? दूध का अंदर में माखन का पोटेंसी है, ये है। तो निराकार चीज से साकार कैसे आए? भगवान कभी निर्विशेष नहीं। अध्यक्ष जो तत्व परम स्वतंत्र, ये जीवों का विचार बुद्धि के द्वारा जर्मिनेटेड और क्रिएटेड ऐसा कुछ वस्तु नहीं है। अध्यक्ष जो तत्व परम स्वतंत्र, ये जीवों का विचार बुद्धि के द्वारा डिस्कवर्ड उत्पन्न हुई ऐसा चीज नहीं है। जो वस्तु काल्पनिक है, कल्पना के द्वारा मेंटली कॉन्कॉक्टेड आइडिया के द्वारा, ये किसका नाम? पुतली, पापेट। जीव इतना क्षुद्र है, ये जीव अपना उद्भवनी शक्ति इन्वेंशन पावर के द्वारा जो वस्तु को सविशेष निर्विशेष बोल के धारणा व कल्पना करने का प्रयास प्रचेष्टा करता है, इसको साकार व निराकार बोलने का प्रयास प्रचेष्टा करे, ये कभी भी भगवत वस्तु नहीं है, ये कभी भी अध्यक्ष जो वस्तु नहीं है। अध्यक्ष जो वस्तु आपका पकड़ में नहीं है, ये पुतुल है, पुतली। अध्यक्ष जो कृष्ण व परब्रह्म ऐसा मापिक सविशेष व निर्विशेष साकार व निराकार पुतुली का ऐसा नहीं विचार चलता है।
हम लोग अदक्ष जो वस्तु का साथ चैलेंजिंग एटीट्यूड लेके कभी पहुंचने का कोशिश करें तो कभी भी इसका नाम है तर्कपंथ। विनम्र रूप से, विनम्र भाव से एकदम सारे अभिमान अहंकार अभिमानम परित्याज्यो प्राकृतो वपुरादिषु हैं, ऐसा करके आगे चले। इसके पास अदक्षज वस्तु प्रकाशित होता है। जोशो देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्वैते ही कथिता ही कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। काल चर्चा करते हुए हम लोग देखा आश्चर्य की विषय है, ब्रह्मा जी को भगवान कुछ पांच श्लोक के द्वारा विशेष उपदेश दिया, पंच श्लोकी उपदेश। ऐसे तो चतुश्लोकी में भगवान ही उपदेश दिया है, ब्रह्मा जी का भगवत तत्व विज्ञान तो भगवान से आया है, इसलिए हम लोग गुरु परंपरा में कृष्ण हिते चतुर्मुख है कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा हिते नारदेर मोदी नारद हिते व्यास मधुक वसुदास पूर्ण भुगो उद्रमगु, ऐसा करके आया। हमारा ब्रह्मा को सिखाया और ब्रह्मा के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे करके इतना सुंदर प्रेम के द्वारा भगवान को बुलाया, अंतिम में भगवान प्रसन्न होके बोला चलो कोई बात नहीं हम दे देंगे। इसलिए चतुश्लोकी भागवत में सारे अपना रहस्य मिस्ट्री अपना स्वरूप को उन्मोचन कर दिया ब्रह्मा जी का सामने। कोई अगर कहे ब्रह्मा जी का अंदर में काम है, ब्रह्मा जी हमारा गुरु कैसे हो सकता, आप समझा नहीं। अब सब बहुत सारे इसमें ऐसा तर्क उठा दे, अब ब्रह्मा जी हमारा आदि गुरु कैसे मान ले, ब्रह्मा जी क्या रागानु का भक्त का भजन कर रहा है ऐसा ये लोगों को पता ही नहीं है कि असुर लोगों का पास बैठ के सुनता है। अगर असुर लोगों का पास बैठ के सुने तो कैसे विचार बनेगा, विचार बनेगा कुछ बनेगा नहीं ना। असुर लोगों का पास डिविल्स कैन ऑल्सो कोट स्क्रिप्चर्स, असुर लोग भी शास्त्र बोलना चाह जानता है, लेकिन ये लोगों का डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं है। काल हमने चतुश्लोकी भागवत से अंतिम में बताया, क्या बताया अंतिम में, एतावनेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञास सुनातन अन्य व्यतिरिकाभ्याम जत्सत् सर्वतो, यही बताया ना, और क्या बताया, एतावनेव इतना तक जे भगवत तत्व का रहस्य विज्ञान का प्रश्न है, पूछताछ है, एतावनेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञास सुनातन अन्य व्यतिरिकाभ्याम जत्सत्, जो अन्य और व्यतिरिक रूप से हर वक्त हर जगह अनंत अनंत ब्रह्मांड प्राकृत एवं अप्राकृत हर जगह विराजमान। इसका बाद अंतिम श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद किया, आशीर्वाद करके क्या बताया, आशीर्वाद करके बताया बेटा एतत् मतम समातिष्ठ परमेन समाधिना भवानो कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करीचि। भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को एतत् मतम समातिष्ठ परमेन समाधि, जो हमने शिक्षा तरंग चढ़ाए हैं सिखाए हैं, एतत् मतम यही मत सिद्धांत विचार को अपना जिंदगी में ग्रहण करके
एतत मतम समातिष्ठ, समातिष्ठ मने सम्यक रूप में, समातिष्ठ मने समातिष्ठ मने रहना, समातिष्ठ मतलब भक्ति छोड़ के, भक्ति छोड़ के समातिष्ठ इस शब्द का कोई माने ही नहीं। भक्ति छोड़कर समातिष्ठ इस शब्द का कोई माने निकालने मानी करने जाए तो उसका कोई कीमत नहीं, इसका कोई। जैसे वैष्णव जी का बारे में भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीत अमल, यह भी एक ही माने, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीत अमल। इसके बाद भगवान को देखा, क्योंकि बेसिक सिद्धांत तो यही है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण सर्वम गोविंदवादि पुरुषम तम। यही तो पक्का फॉर्म है। तो आपने ध्यान नहीं दिया कि भगवान 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 आशीर्वाद किया ब्रह्मा जी को, आशीर्वाद करके बताएं एतत मतम समाधिष्ठ, जो जो हम चतुश्री की भागवत बोला एतत मतम समाधिष्ठ परमेन समाधि, परम परम समाधि मतलब भक्ति समाधि, आई बात समझ में, परमेन समाधि एतत मतम समाधिष्ठ परमेन समाधि न भवान माने आप कल्प विकल्प न विमोहति करीछि, आपको मोह प्राप्त होने का कोई सवाल ही नहीं है, यह आशीर्वाद है भगवान का। भगवान कल्प विकल्पेशु, कल्प विकल्प में आपका आप जो सृष्टि का विषय लेके व्यस्त रहते हो इसी में भी आपका अंदर में कभी मोह प्राप्त होने का संभावना है। एतद मतम समाधिष्ट परमेन समाधिना भवानो कल्प विकल्प से न विमर्जित कर ही चे। आप मोह प्राप्त होगो नहीं, मोह प्राप्त मतलब मोह प्राप्त कब होता है, माया के द्वारा। अब माया है कि चला गया क्यों भगवान के चरण में, ये तो लीला है। ब्रह्मा जी बोका है, ब्रह्मा जी विषयी है, हमने बोलने सुना है, जोर जबरदस्ती मेरे को लेके गया, मेरा इच्छा ही नहीं थी। वहाँ जाके देखा एक पागल आचार्यों का काम कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्मा के बारे में पूरा हरिकथा में ब्रह्मा को गाली और कुछ नहीं, ऐसा हालत। मैंने सुन के उधर से उठ के चला गया, क्या करें। इसलिए कई जगह जाता नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग मनमानी बताएगा, मनमानी सिद्धांत तो मनमानी होता नहीं। पोपात कहते थे सिद्धांतो इज नॉट जिम्नास्टिक फिट्स, सिद्धांतो इज नॉट जिम्नास्टिक फिट्स, जहाँ हम बारबेल उठाएंगे हमारा मांसल को ऊंचा कर देंगे टाइट कर देंगे, ऐसा नहीं, फालतू बात है गाली को। और कोई कोई आदमी बोलता है ब्रह्मा क्या करे, ब्रह्मा को तो रसोतत्व का ज्ञान नहीं है। अरे पागल, ब्रह्मा का रसो तत्व का ज्ञान नहीं है हमारा आदि गुरु का, वो कैसे हो सकता। जब भगवान ने स्वयं इनको दीक्षा दी है, दी जो संस्कार करवाए, इसका बाद क्या किया, पूरा काम गायत्री काम भी सब दे दिया, भागवत तत्व विज्ञान दे दिया, तो इसका बाद कुछ कमी रह जाएगा क्या, कुछ कमी रह जाएगा। ब्रह्मा जी बोका है, फुलिश है ब्रह्मा, आप बुद्धिमान हो, जो भी है अभी विचार बनता है। इधर काल का जो श्लोक चर्चा किया 60 नंबर, यशा श्रेवस्करम नस्ति जया निवृतिम अपनुयात या साधयति माम एव भक्तिम तमेव साधयत। क्या बताया देखो भगवान ने बताया, देखो ये जो 5 श्लोक के द्वारा भगवान अभी गहरा रहस्य बता रहे, भगवान अपना गहरा रहस्य बता रहे। देखो
जस्या से उसकर। अर्थात भगवान कह रहे हैं, भगवान का कहने का मतलब है कि जो अपना स्वरूप उपलब्धि का साथ भक्ति योग में जब आप भागवत धर्मों का आचरण करोगे, भागवत धर्म इट्सेल्फ प्रेम का धर्म है, भागवत धर्म इट्सेल्फ प्रेम का धर्म है। कोई अगर जोर जबरदस्ती भागवत धर्म में एंट्री ले ली गोरिया मठ में इधर उधर, तो इसका लिए हम लोग जुमा नहीं है, इसका लिए तो हम लोग जुमा नहीं है। वो घुस गया, अब बोल रहा है ये भागवत ऐसा ऐसा करेंगे, काटा पीटी चल रहा है हर वक्त हर जगह, अपना प्रतिष्ठा का लड़ाई काटा पीटी सब चल रहा है, हर इसका तस्वीर इंटरनेट में दे रहे हैं। कितना आनंद की बात है, कितना आनंद की बात है। देखो हम लोगों का विचार, हम लोगों का विचार पुलिस लोग करेगा, कोर्ट करेगा, जिसका बारे में रूप गोस्वामी बात बता दिया, वाचो वेगम मनसह क्रोध जीव वेगम क्रोध वेगम उदरपुत्र वेगम एतानो वेगानो जो विषय तो धीरा सर्वांपी में पृथ्वी शशिष। अर्थात रूप गोस्वामी बात ये पहला श्लोक के द्वारा उपदेशामृत में बता दिया, पहला श्लोक के द्वारा ही बता दिया जी एक प्रचारक का, एक गुरु का, एक सन्यासी मतलब प्रचारक गुरु का भाव क्वालिटी कैसा होनी चाहिए। पहला श्लोक में ही रूप गोस्वामी बता दिया जो जिसका षड्वेग दमन है, ये तो सर्वाम पृथ्वीम सशिष्य, इसका बारे में गहरा विचार है। कोई अगर कहे तो हमने एक योगी को देखा महाराज, उन्होंने सर्वज्ञ, ये होगा नहीं, ये गलत सिद्धांत है। क्यों? योगी ज्ञानी का कंट्रोलिंग पावर हो सकता है, हमने इसका बारे में निषेध नहीं करेंगे, हो सकता है बट टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली, परिपूर्ण रूप से हो नहीं सकता। हो सके योगी ज्ञानी का अपना सेंस ऑर्गन पर कंट्रोलिंग हो गया, लेकिन वी कैनॉट बिलीव 100%, क्योंकि कितना योगी ज्ञानी को गिरते देखा है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत हो, लेकिन कृष्ण भक्त के बारे में कुछ बताओ इसमें कोई डाउट नहीं। जहां नारद जी पर्वत मुनि सारे बताए, ये आश्चर्य नहीं है। वैष्णव का अंदर में कुछ भी हो सकता है, आ सकता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत हो, इसी का अंदर में छुपा हुआ है पूरा राज। निष्काम मतलब उसका कामना नहीं है, कामना नहीं है मतलब कोई घबराहट नहीं है, हमारा को चीज पाने का इच्छा ही नहीं है, तो हमारा अंदर घबराहट पैदा कैसा हो सकता, कोई आशा नहीं है ना। कृष्ण भक्त निष्काम मतलब शांत, शांत है, शांत मतलब मेडिटेशन पक्का है। तो वाच वेगम मनसह क्रोध वेगम जीवा बेगम उदरपस्थे सौर जो है, इसका बारे में चर्चा हो गया उपदेशामृतों में। यही वैष्णव, पक्का वैष्णव। अगर योगी ज्ञानी का बारे में इसको थोड़ा अप्लाई करने जाओ, 100% एप्लीकेशन नहीं हो सकता, लेकिन वैष्णव का बारे में यूज करने जाओ वो पक्का है, इसलिए ये ठीक है। कृष्ण भक्त नित्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ब्रह्मा जी का अंदर में अगर कोई कमी दिखाई पड़ा, ये भी एक लीला है। ब्रह्मा जी का बारे में
अपना पोता जो हंसी उड़ाया इसका नतीजा क्या हुआ, महाप्रभु जी ने खुद सिखाया। महत व्यक्ति का कोई आचरण देखकर कोई हंसी उड़ाया वो भी नरक में चला गया, महाप्रभु जी ने खुद बताया। महत व्यक्ति का आचरण में कुछ ये पूरा नरक, सामर्थ्यवान व्यक्ति। शंकर भगवान कामजयी है, मृत्युंजयी है, लेकिन भगवान जो परीक्षा ली मोहिनी का पीछे शंकर दूर, आप अगर हंसोगे सत्यानाश हो जाएगा। ये तो एक लीला करके दिखाया। इसीलिए भागवत धर्मों का ऊपर कुछ नहीं है, एक आगम एक निगम है, आगम और निगम है। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृतोदव संयुतम, ये जो बताया ये निगम है। कृष्ण हित चतुर्मुख है, कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा हित नारद, ये हमारा परंपरा का विचार है। लेकिन आगम का संकर्षण से चतुष्ण आदि ऐसा करके जो उसका भी एक परंपरा है, ऐसे आया है बहती हुई शंकर भगवान, ये सारे जो है ये आगम है। आगम और निगम एक ही है, तो दो चैनल है, एक ही जगह से बहती हुई, एक गंगा का एक एक अंश जो है ये अलकानंद, ये दूसरा अंश दूसरा नाम से समझा, ऐसा एक ही है। यशः शेष परम नस्ति जया निवृतिम अपनुयात या साधयति ममेव भक्तिम तमेव साधयत। अतः भगवान ब्रह्मा जी को ये पांच पंच श्लोकी में पूरा गहरा विचार बोल रहे हैं। जे मैंने आपको जो बता रहा हूँ, जो हमने विचार बताया, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये प्राप्ति होने का बाद परमानंद निवृत्ति प्राप्ति हो जाता है। इसका बारे में भागवत जी का जो निगम कल्पतरु ये भी इसमें भी आता है, उसका बाद धर्म प्रजित कैत्यवात्र इसमें भी आता है, सारे विचार कर फिर आगे चलकर सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधक्ष जे अहेतु की अप्रतिहता जय आत्मा सुप्रसिद्ध थे, ये भी था एक ही बात है। तो जस्याहा यस्याहा श्रेयस्करम नास्ति जया निवृत्तिम अपनीयत या साधयति ममेव भक्तिम त्वमेव साधयत। तुम ऐसा करो जो हमने बताया ब्रह्मा, इससे बढ़कर कुछ नहीं है श्रेयस्कर, ये क्योंकि ये अगर अभ्यास करते चलो परमानंद निवृत्ति जिंदगी में और कुछ शेष नहीं रह जाएगा, कोई आशा आकांक्षा परम निवृत्ति है, परम निवृत्ति हो जाएगी, कुछ चाहत शेष नहीं रहेगा। भगवान कह रहे हैं जो हमको साधन करने के लिए व्यस्त है करता है, साधन भक्ति, ये साधन भक्ति इसी प्रेम संपत्ति को प्रेम भक्ति को साधित कर देता है। जो महाप्रभु जी ने बताया, जो महाप्रभु जी ने बताया ना, एक ही है ना महाप्रभु मत क्या, सिना चक्रवर्ती हमारा परम पूज्य केशव गोस्वामी आज बताए सिना चक्रवर्ती बात, विश्वनाथ चक्रवर्ती एक ही है। आज दूसरा आदमी ने बताया सिना चक्रवर्ती बात बोल के कोई अग है जो भी है,
हमारा इससे मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब है को महाप्रभु का विचार जो है ये क्या है, इट इज मोस्ट लाइकली विश्वनाथ चतुर्थी कैन गिव दिस सिद्धांत, क्योंकि बाहर का आदमी जरूर नहीं है, निश्चित नहीं है, भागो कोई आदमी बोलता है कोई सिना चक्रवर्ती बोल के कोई भक्त था, जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने महाप्रभु का विचार बताया, एग्जैक्टली महाप्रभु का जो विचार है ये विचार को बताया, विचार में क्या आता है, आराध्य भगवान अभिजस्तनेध्याम वृंदावनम रामा का चिदुपसना ब्रजपति वर्गी न जाकल्पिता श्रीमद भगवतम प्रेमा है प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्ताधरण पर आराध्य भगवान विजयस्त आराध्य भगवान विजयस्त तद्याम वृंदाव रामा काचिद उपासना ब्रजपति वर्गीन जाकल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्ताधरण अर्थात महाप्रभु भी ये बताए भागवत धर्मो अंतिम में क्या देता है कृष्ण प्रेम, वो भी गहरा विचार के द्वारा गोपी प्रेम भी हो जाता है जो जैसा अधिकार है ऐसा। तो भगवान ने खुद बताया ब्रह्मा जी को पंच श्लोकी में, ध्यान से सुनना, पहले भगवान ने बताया इससे बढ़कर कुछ नहीं, यशहा सेवस्करम नस्ति जया निवृत्तिम अपनुयत या साधयति ममेव भक्तिम तमेव साधयत। अतः भगवत धर्म के द्वारा भगवान के ऊपर प्रेम भक्ति पैदा होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी को क्या कहना चाहा, कहने का मतलब है भगवान कहना चाहा, देखो प्रेम भक्ति से बढ़कर जीवों का जिंदगी में इससे बढ़कर श्रेय चरम मंगल कुछ नहीं होता, ये सबसे सबसे एक्सट्रीम है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया देखो प्रेम भक्ति से बढ़कर जीवों का जिंदगी में इससे मंगलदायक ये एक्सट्रीम पॉइंट और कुछ नहीं, यही शाब्द भक्ति को, यही शाब्द भक्ति में ही जीवों का परमानंद, यही शाब्द भक्ति मैंने जो अटेनेबल भक्ति प्रेम तो द अटेनेबल ऑब्जेक्ट शाब्द, यही शाब्द भक्ति ते यही शाब्द भक्ति में ही, यही शाब्द भक्ति में ही जीवों का परमानंद शाब्द और शाब्द शाब्द वस्तु साधन बिना केहो नहीं पाए कृपा करी कहराए पावा उपाय। तो ये शाब्द भक्ति को जीवों का परमानंद माना गया एक्सट्रीम, क्योंकि एकमात्र प्रेम भक्ति के द्वारा ही कृष्ण चरण लाभ होता है, बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, गुरुजी मजा करके कहते थे कुछ भी कर लो बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, एकमात्र प्रेम भक्ति से ही कृष्ण चरण लाभ हो सकता है, और कोई रास्ता है नहीं। जो व्यक्ति यही शाद्य भक्ति को व्याकुल हृदय के साथ, नॉट दैट फाजिल आदमी है नकड़ाबाजी करे ऐसा नहीं, जो व्यक्ति व्याकुल होकर ये भक्तों को उद्देश्य करके साधन भक्ति का चर्चा करने के लिए व्यस्त हो जाते हैं, ये साधु तत्व इसको मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज अ एश्योरेंस ऑफ भगवान,
भगवान ने ये प्रतिज्ञा करके बताया। सो जो व्यक्ति साधो भक्ति को व्याकुल भाव लेकर साधारण भक्ति का चर्चा करे और ये साधो तत्व तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, दूसरा आदमी को नहीं मिल सकता है। यशः सेवस्करम नस्ति जया निवृत्तिम अपनुया या साधयति मम एव भक्तिम तमेव स्वादयत। इसका बात क्या है, ये इतना तक इस श्लोक का चर्चा हो पाया, थोड़ा समझने का कोशिश करें, फुल अटेंशन देके विचार को सुनने का कोशिश करें। धर्मान अन्यानो परित्यज्यो माम एकम भजो विश्वोषण जादृशी जादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी कुर्वन् निरंतरम कर्मो लोको अयम अनुवर्तते तेनैव कर्मणा धैयन् माम पराम भक्तिम इच्छति। कितना सुंदर, गीता में भी भगवान बताया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भजो अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुजो, ये तो बता दिया, सुंदर बताया भगवान। बजे भगवान ने बताया, देखो ये भागवत धर्म मेरा है, मेरा प्राण है, मैं और भगवत धर्मों अलग नहीं हूँ। जब जमराज जी महाराज अपना पार्षदों को बताया, क्या बताया, वेद साक्षात ईश्वर प्रणीत हो, वेद भगवान का निश्वास से निकाला, वेद को अपौरुषेय, वेद नॉट रिटन बाय एनी बॉडी, इट्स अ सेल्फ मैनिफेस्टिंग ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, ये तो स्वयं प्रकट। जमराज जी महाराज जी ने बताए, वेदस्य ईश्वर आत्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सुरय, वेद और भगवान अलग नहीं, एक ही है। इसलिए दिव्य सूरीगण वेद का बारे में विचार करने जाए तो दे बिकम इन कन्फ्यूशन, ग्रेट कन्फ्यूशन। ये लोग का जिंदगी में बड़ा कन्फ्यूशन है, क्या है ये लिखा है, ऐसा के ऐसा क्यों है, ऐसा बोलते, ऐसा ही होता, साक्षात ईश्वर है। धर्म काल भी बताया था, गुह्यम विशुद्ध्यम दुर्वध्यम यज्ञता अमृतमश, गुह्यम विशुद्ध्यम दुर्बोध्यम, समझने का बाहर, गुह्यम गुप्ताति गुप्तो विशुद्ध्यम बड़ा प्योर है, कुछ मिलावट ही नहीं, दुर्बोध्यम समझने का बाहर। अब गीता में भगवान खुद ही बताए, तमाम वेद पाठ करके कहाँ कृष्ण है कुछ नाम ही नहीं मिला, पूरा भागवतम पाठ करने के बाद ये पागलपंथी छागलपंथी, अरे राधा रानी का नाम ही नहीं मिला, वो बात कह रहे हैं किसका लिए, किसके लिए राधा रानी का नाम दिया जाएगा, कुछ पागल के लिए है, कुछ पागल के लिए दिया जाएगा क्या, किसके लिए दिया जाए, क्यों दिया जाए, जो सबसे सीक्रेट चीज है, गुप्त वस्तु को गुप्त रूप में देना ही विधान है, भगवान ने खुद बताया। जे ऋषिगण परोक्ष बात करते हैं, परोक्षंच मम प्रियम, ऋषयो परोक्षवादिनः, ऋषिगण परोक्षवादी हैं और मैं भी परोक्षवाद पसंद करता हूँ। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताए, जार लगी कोई ते भय से जो दिना जाने, जिनके लिए ये बात बोलने में थोड़ा हेजिटेशन आता है, ये असुर अगर ना समझे तो इससे आनंद क्या होता है। आई बात समझ में,
जिनके लिए देने के लिए शर्मिंदा होता है, ये क्यों देगा, ये सब असुर लोग। लेकिन ये अगर समझे ना आए, ना समझे तो अच्छा अच्छा है। जार लागी कोहिते भय से जो ना जाने, यहाँ वही आनंद और क्या हो सकता है, इससे बढ़कर क्या होता है। जिस भागवत धर्म का बारे में जमराज जी ऐसा बताया, गीता में वेदों का बारे में भगवान बताया, वेदस्य सर्वैरहमेव विद्यो, फिर गोकर्ण जी महाराज अपना पिता श्री आत्मदेव को समझाने गए, वहाँ भी बताया, धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्मान शिवस्य सदपुरुषान जही काम तृष्णान। क्या बताए, धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्मान, लौकिक धर्म को फेंक दो, धर्मम भजस्व अतः आत्मधर्म भगवत धर्म को करो, तो इससे बढ़कर आनंद में क्या हो सकता है। यस्या सेस्करम नस्ति यया निवृत्तिम अपनुयात या साधयति ममेव भक्तिम त्वम एव साधय। आपको भी मैं बोलता हूँ ये करो, भगवान बोल रहे तमेव साधय, त्वम एव आप भी करो, ये हर हालत में प्रेम भक्ति देने वाला है। धर्मान अन्यान परित्यज्य मामेकं भजो विश्वसन, विथ फुल फेथ पूर्ण विश्वास के साथ, फुल फेथ विथ पूर्ण विश्वास के द्वारा, धर्मान अन्यान परित्यज्य मामेकं भजो विश्वसन, पूर्ण विश्वास के द्वारा विथ फुल फेथ ये भागवत धर्म को जाजन करो। दूसरा धर्मो लोको धर्मो समाज धर्मो मनोधर्मो ये सब छोड़कर, ये सब छोड़कर आत्मदेव जी को गोकर्ण जी यही बताया, ये जितना सारे लोक धर्म है सब छोड़ दो, धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्मान, धर्मान बिन बहुवचन। आज शुरुआत में धर्मम भजस्व एक वचन, आप भगवत धर्म को ही अपनाएं, अपना जीवन में भागवत धर्म को ही अपनाएं, और बाकी जो धर्मान लोक धर्मो समाज धर्मो वेदो धर्म जो कुछ भी सब फेंको। धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्म, यहाँ सारे सब प्रमाण है। इसलिए पंचश्लोकी उपदेश में भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, दैट इज माई फाइनल कंक्लूजन, बी केयरफुल बी अलर्ट, हमारा फाइनल कंक्लूजन है, ये मेरा फाइनल कंक्लूजन समझ ले। इसलिए इस पर ध्यान दे, धर्मान अन्यानो परित्यज्य मामेकं भज विश्वसन जादृशी जादृशी सद्या सिद्धिर्भवति तादृशी कुर्वन् निरन्तरं कर्मो लोको अयम् अनुवर्तति तेनैव कर्मणा धायन् मां परां भक्तिमिच्छति। आहा कैसा बोला, दूसरा सारे धर्मों का तिलांजलि दे दो और विश्वास पूर्ण विश्वास के साथ विथ फुल फेथ हमारा भजन करो, और आपका अंदर में जैसा जैसा श्रद्धा बढ़ते चलेगा वैसा ही आपको फल मिलेगी, फल मिलेगा। श्रद्धा जैसा परिमाण में आपका बढ़ते चलेगा ऐसी प्रकार का सिद्धि आपको आ सकता है। जादृशी जादृशी श्रद्धा सिद्धि भवती तादृशी,
जैसे जैसा श्रद्धा बढ़ती चले वैसा सिद्धि होगा। ये जगत में निरंतर कर्म करते करते लोग अनुवर्तमान इस जगत में निरंतर कर्मों के अलावा कोई रह नहीं सकता। कर्म के द्वारा इस जगत में निरंतर कर्म करते 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 लोग अनुवर्तमान दे फील कंफर्टेबल दे फील मोर प्रैक्टिकल अनुवर्तमान। अनुवर्तमान क्यों बताया? वर्तमान बोलने से हो जाता अनुवर्तमान, इसलिए इसका बाबा पर बाबा पर बाबा जो कुछ भी है सब एक ही रास्ता है। ये इसका ही कोई अगर बोले भगवत दास हमारा पूर्वजों ने जो किया है यही प्रैक्टिकल है ये, इसलिए अनुवर्तमान वो पहले जो दिखा है वही देख के इसी को सीख लिया, नया कुछ लेने वाला नहीं है। इसलिए अनुवर्तमान शब्द का प्रयोग किया। उसी उसी कर्मों के द्वारा उसी उसी कर्म के द्वारा अगर हम पर ध्यान जमाएं, वो ध्यान मेडिटेशन हिमालय में जाके नहीं होता। गोपियों का ध्यान के लिए गोपियों को ध्यान करने के लिए हिमालय जाना नहीं पड़ता, वो अपना गांव में अपने घर में बैठ के अपने आप हो जाता। रसोई कर रहा है, कपड़ा धो रहा है, सब कुछ जो कुछ भी कर रहा है, रोटी बना जो कुछ भी कर, हर वक्त भगवान से अपना संबंध अपना प्रेम अपना भगवान का झांकी खत्म नहीं होता, एक जैसा ही। तो ये इज कॉल मोर प्रैक्टिकल ध्यान, जिसमें मेरे को हिमालय जाने का दर्द जो कौन जाए महाराज, यहाँ अगर हमारा सिद्धि हो जाए तो अच्छा है। भगवान कह रहे हैं टेक्निक देखो, वही वही जो कर्मों कर रहा है पूर्वजों का अनुसरण करके वही वही कर्मों के द्वारा हमारा चरण में अगर मेडिटेशन हो जाए, वही वही कर्मों के द्वारा हमको ध्यान करके पराभक्ति रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। आई बात समझ में? तात्पर्य क्या है? शुद्ध भक्ति लक्षण, शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है प्रेम भक्ति, यही प्रकृत जैव धर्म हर जीवों का धर्म है। यही जैव धर्म अर्थात जीव का नित्य धर्म है, भागवत धर्म है। और बाकी जितना सारे दुनिया में कचड़ा है धर्मों का नाम पे, सारे औपाधिक धर्म, इट्स वन काइंड ऑफ टाइटल, इट इज वन काइंड ऑफ टाइटल। एक किस्म का टाइटल है, वास्तविक नहीं है। जो गोकर्ण जी महाराज का प्रवचन उठा के मैंने बताया ये एक ही है। शुद्ध भक्ति लक्षणा जे धर्मो, ये वास्तविक जैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, भागवत धर्म है, सब एक ही बात है। यही जीवों का नित्य धर्म है। कीर्तन में भी आता है विरूप स्वरूप भावी मोर मोन मायाते आकृष्ट हो, बहुत सारे बातें कहने का भी समय चाहिए क्या। ये नित्य धर्म यही है भगवत धर्म, आत्मा का धर्म, आत्मधर्म। बाकी जितना है सब उपाधि, इट्स वन काइंड ऑफ टाइटल। हमने बताया अगर कोई स्वरूप उपलब्धि करे मैं भगवान का भक्त हूँ,
ये छोड़कर बाकी दुनिया में जितना टाइटल है सारे माया का दिया हुआ टाइटल और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, औपाधिक धर्म है। निर्वाण, निर्वाण को सामने रखकर जो ब्रह्म ज्ञान धर्मों या तो कैवल्य लक्षितो अष्टांग आदि योग धर्मों जरसुख लक्षितो बहिर्मुख कर्म कांड धर्मों कर्म ज्ञान का मिश्रण में कर्म ज्ञान कर्म कर्म ज्ञान का संबंधों संयोग रूप ज्ञान योग धर्मों या तो शुष्क वैराग्य रूप धर्मों एक ऐसा मापिक बहुत छल धर्म है औपाधिक धर्मों हो सकता है बहुत सारे औपाधिक धर्म ये सारे परित्याग कर श्रद्धामूलक भक्ति धर्म अवलंबन करके तुम केवल हमारा ही भजन करो। जो गीता में भी भगवान अर्जुन को बताए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, ये भगवान ने गीता में बताए। समस्त छल धर्मों उपाधिक धर्मों को फेंक कर केवल श्रद्धा प्रेम भक्ति धर्म अवलंबन करके हमको भजन करो और पूर्ण विश्वास के साथ। क्यों बताया श्रद्धा शब्द कहे, श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, पूर्ण विश्वास, इसका नाम श्रद्धा। तो हमें हमारा चरण में अनन्य श्रद्धा, इसका नाम विश्वास। ये विश्वास रूप श्रद्धा ग्रेजुअली क्रमशः विशद बढ़ते बढ़ते निष्ठा रुचि आसक्ति भाव सब बढ़ते रहता है, बढ़ते चलता है। ये ऐसा ही है श्रद्धा भक्ति है, श्रद्धा रोतिर भक्ति अनुकमिष्यति। सो विश्वास रूप श्रद्धा धीरे धीरे विशद बड़ा विश्वास ला दे तो इष्टा, इसका नाम निष्ठा, रुचि आसक्ति और भाव रूपी आगे आगे बढ़ते बढ़ते आगे चले। और श्रद्धा जितना परिमाण में श्रद्धा जितना परिमाण में बढ़ते रहेगा, ध्यान दे, श्रद्धा जितना परिमाण में बढ़ते रहेगा उतना ही उसका फायदा है। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास। श्रद्धा का माने क्या है, चैतन्य जी ने बताया श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास। क्या विश्वास, कृष्णों का सेवा करने से सारे हो जाए, ये विश्वास पक्का होनी चाहिए। कृष्ण भजन करते हुए मेरा बहुत सारे ड्यूटी है, यह माया का विचार है। यदि अगर कोई कहे ऐसा प्रकार का भक्ति सिद्धि का चेष्टा यदि अगर निरंतर व्यस्त रहे तो महाराज खाना पीना उठना बैठना शरीर चलेगा कैसे, कोई आदमी ऐसा भी तो क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि तर्क वितर्क का कोई अंतिम समाप्ति नहीं है। यदि अगर कहा जाए ऐसा मापिक भक्ति सिद्धि का चेष्टा का साथ कोई अगर निरंतर व्यस्त रहे तो खाना पीना शरीर बाल बच्चा पर ऐसा कैसे चलेगा, लोग जाता कैसे, इसका उत्तर क्या है, लोग या शरीर
लोक आ शरीर लेके जब तक हम व्यस्त हैं तब तक आत्मधर्म के बारे में कोई कुछ समझा ही नहीं। लोक अपेक्षा और शरीर अचल होने से देहोपात में भक्ति सिद्धि का चेष्टा कैसे हो सकता। शरीर का ऊपर ध्यान है, शरीर है ना, लोक शरीर अचल होने से शरीर गिर जाएगा तो भक्ति का सिद्धि का चेष्टा कैसे हो सकता है। इसी संशय संदेह को काटने के लिए भगवान खुद बताए, क्या बताए, लोग जनगण लोग निरंतर जो कर्म करते हुए वर्तमान रहता है उसी कर्म का ऊपर से ध्यानमय हो जाता है। निरंतर जो कर्म करके वर्तमान रहता है इसी कर्म को ध्यानमय करके, इसी कर्म को ध्यानमय कर दो, मतलब हमारा चिंतन है और कुछ नहीं है, कर्तव्य बोध में कर रहा है लेकिन सारे भगवान का ऊपर ध्यान, कर्म को ध्यानमय करके कर्म का कर्म तो विनाश कर कर, कर्म कब तक डेंजरस है, जब तक उसका अंदर में पॉइजन है मेरा लिए कर रहा हूँ, ये अगर चला गया तो और क्या है? कुछ आई बात समझ में, कर्म का कर्मत्व, ज्ञान का ज्ञानत्व, ये सारे माने होता है कर्मों का कर्मत्व, क्योंकि कर्म अगर कर्म को लिए कर रहा है तो ये मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, फांसी का फंदा, इसीलिए कर्म मेरा बंधन का कारण नहीं है। अगर भगवान का ऊपर भरोसा लग के भगवान के लिए कर रहा है बिल्कुल कुछ नहीं है, मतलब कर्मों का कर्मत्व को कटा दो हटा दो और भक्ति का स्थापन करो। तो ब्रह्मा जी का जो क्रियाक्रम है सृष्टि रचना में व्यस्त है, ये भगवान का चिंतन कर रहे हैं, शंकर भगवान भी हर वक्त भगवान का चिंतन करे, अब क्या करे, आदेश है करना पड़ता है, भगवान को रिझाने के लिए संतुष्टि विधान कर रहे हैं, लेकिन ना तो शंकर का अंदर में कोई इच्छा है कामना वासना, ना तो ब्रह्मा जी का अंदर में है। कर्मों का कर्मत्व विनाश कर भक्तित्व स्थापन करो। शरीर मानस और सामाजिक ये तीन किस्म का कर्म के द्वारा लोगों का लाइफस्टाइल, लोग यात्रा निर्वाह होता है, कभी कभी किसी शरीर किसी कर्मों शरीर के द्वारा, कभी मानस में, कभी सामाजिक रूप में, त्रिविध कर्मों के द्वारा मानव देह यात्रा निर्वाह करते हैं, क्योंकि अशन आसन भ्रमण शयन निद्रा परिस्कृति आच्छादन सब एवं बहुविध शरीर कर्म, बहुविध बहुत प्रकार का शरीर कर्म, चिंता स्मरण धारणा विषयोपलब्धि सुख दुखादि बोध प्रवृत्ति, बहुविध मानस कर्म और विवाह किया, राजा प्रजा संबंध भातृत्व यज्ञ सभा अधिवेशन इष्टपूर्ता कुटुंब पालन अतिथ्य आतिथ्य व्यवहार लोक व्यवहार यथाज्ञ दूसरे का सम्मान इत्यादि बहुविध सामाजिक कर्म ही दृष्ट है। जैसे उद्धव जी महाराज दुर्योधन का पास आए, दुर्योधन का प्रणाम किया, कैसे, यही विचार करके किया, इनके अंदर में भगवान बैठा हुआ है, दुर्योधन को प्रणाम नहीं किया, दुर्योधन को क्यों प्रणाम करे। सो ये जो अशन आसन भ्रमण शयन निद्रा परिष्कृति आच्छाद
आच्छादन ग्रास आचे प्रभृति बहुविध शरीर कर्म शारीरिक कर्म चिंता स्मरण धारणा विषय उपलब्धि सुख दुखादि बोध इत्यादि बहुविध मानव धर्म और विवाह राजा प्रजा सम्बन्ध भ्रातृत्व यज्ञ सभा अधिवेशन इष्टपूर्ता कुटुम्ब पालन आतिथ्य व्यवहार यथाजोग्य अपरेश सम्मान इत्यादि बहु सामाजिक कर्म भी देखा जाता है। ये तमाम कर्मों जब अपना भोग के लिए किया जा सकता है ये बंधन के कारण। अब जब जब ये सब कर्मों जो है भगवान के लिए ये अलग है, तो अपना भोगों के लिए जब ये सब किया कर्म किया जा तब ये सब कर्मों को कर्मकांडो बोला जाता है, कर्मकांडो और कुछ नहीं, कर्मकांडो बोला जाता है। यही कर्म समूह जिन जो कर्मकांडो अभी बोला जाता है इसी कर्मयोग वाग्य, इसको कर्मयोग व ज्ञानयोग बोला जाता है। जब ये समस्त कर्मों को भक्ति साधन अनुकूल जिसका बारे में कीर्तन में है ब्रह्म भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार भक्ति प्रतिकूल कर्म कार्य वर्ज अंधिकार समझना बहुत कठिन है, पालन करना करोड़ों गुना और कठिन है। समझने के बाद अपना जीवन में पालन करना बड़ा कठिन है। ये समस्त कर्मों को भक्ति साधन का अनुकूल करके अगर कोई जिए तब ये समस्त कर्मों को गौण भक्ति जो बोला, नॉट डायरेक्ट भक्ति जो गौण मतलब कैन सपोर्ट माय धर्म, हमारा भक्ति को सपोर्ट कर सकता है, ये गौण भक्ति। हमारा भक्ति रास्ते में कुछ कुछ कर्म ऐसा है भक्ति का अनुकूल है, कुछ कुछ कर्म है भक्ति का कर्म है प्रतिकूल है, कुछ कुछ ऐसा भी है ना तो प्रतिकूल ना तो अनुकूल न्यूट्रल है, बहुत सारे। बहुत सारे होता है, परंतु शुद्ध उपासना लक्षण रूप कर्मों को केवल शुद्ध परंतु शुद्ध उपासना लक्षण कर्म जिसको बाहरी दृष्टि में कर्म माना जाता है लेकिन ये भक्ति है, यही साक्षात भक्ति बोला जाता है। समय के अनुसार साक्षात भक्ति एवं लोक व्यवहार में गौण भक्ति का अनुष्ठान करने से प्रत्येक कर्म में मेरा ध्यान हो ही जाता है, अपने आप विचार आ जाता है। यहाँ कर्म करते हुए भी जीवों का बहिर्मुख भाव नहीं हो सकता, जिस आशीर्वाद भगवान ने ब्रह्मा जी को पहले दे के रखा है, एतत् मतम समाधिष्ठो परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्प से न विविजति करी, ये है। तो ये सब कर्म करके जीव बहिर्मुख नहीं होता, यही प्रक्रिया के अंदर में अंतर्मुखता अनुष्ठान, यही प्रक्रिया के द्वारा अंतर्मुखता का अनुष्ठान चलते रहे। यथा ईशोपनिषदे ईशावश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृद्धो कश्यचित् धनम्। इसका माने क्या है, पर जगत का किसी विषय में लोभ नहीं करना, लोभ नहीं करना। भाष्यकार लोगों ने लिखा है ये उपनिषद का बात
तेनो ईश्वर त्यक्तेनो विशिष्टेनो, मतलब भगवान जो उच्छिष्ट रखा है, भगवान जो रखा है ना, इसी को लेकर संतुष्ट रहो। किसी का धन दौलत हड़पने का, राम नाम जपना परायामल अपना, ऐसा नहीं करना। राम नाम जपना और परायामल अपना, हरे कृष्ण घूम रहा है, कहाँ जमीन जायदाद है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ। वाह कितना सुंदर इंटरनेशनल भक्ति, वाह वाह। भाष्यकारों ने लिखा है तेनो ईशो तक तेनो विशिष्ट, जगत का तमाम वस्तु भगवान का प्रसाद, ऐसा विचार करके लिए भगवान का प्रसाद, प्रसाद है ना। ईशा अवश्यमिदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत तेनो त्यक्तेनो भुंजिता मां कश्यसित धनम। तमाम जगत का जो चीज है सारे भगवत दत्त प्रसाद विचार करके ले, भगवत दत्त प्रसाद विचार कर, ऐसा करके गुण करने से कर्म का कर्मत्व नहीं रहता है। भगवान का प्रसाद बोल के गुण करने से कर्म का कर्मत्व नहीं रहता है, भक्तित्व होता है। अतः ईशावास्य बोलें, ईशावास्य में क्या लिखा है, कुर्वन निवेह कर्माणि जिजी विशे शतम समा नान्नथेतो अस्ति न कर्मो लिप्पते न रे। ऐसा मा भी करने से शतो शतो वर्ष सौ सौ सात जीने का बावजूद कर्मों में लिप्त होने का, कर्मों में लिप्त होने का कोई चांस ही है नहीं। ये दो मंत्रों जो भक्ति का लिए व्यवहार किया, ये अगर ज्ञान पक्षियों ज्ञान का रास्ता में यूज किया गया अर्थ होगा कर्मफल त्याग, किंतु भक्ति पक्ष अर्थ हो भगवत समर्पण द्वारा तत्प्रसाद, सारे भगवान को दे दिया, जो कुछ भी प्रसाद भगवान ने भेजा है इसी के द्वारा अपना गुजारा कर लिया करो। अर्चन मार्ग में भगवत उपासना ध्यान का साथ संसार, अर्चन मार्ग में भगवत उपासना ध्यान का साथ संसार कर्म करना चाहिए। पापा जी ने बताया अर्चन मार्ग इज मोर और लेस अर्चन मार्ग, ये जो है ये पक्का पप्पा पक्का शुद्ध भक्ति का कुछ नहीं है। तो ये जो तई अन्न थे तो अस्ति न कर्मो लिप्पते नरे, ऐसा करके सालों साल सौ सौ साल जीव अगर कर्म करते चले तो इसका कर्म लिप्त तो कर्म में अटैच कर्म में इन्वॉल्व हो जाने का कोई संभावना नहीं है। ब्रह्मा जी करोड़ों करोड़ों साल तक सृष्टि का रचना का विषय सब कुछ दिग्वाली कर रहे हैं, ब्रह्मा जी आज का नहीं है, अब कितना करोड़ों साल जिएगा वही जाने। ऐसा करके कर्म करने सौ साल तक ऐसा शतवस्त्र कर्म में लिप्त होता नहीं। यदि मंत्र ज्ञान पक्षी अर्थ हो कर्मफल त्याग और भक्ति पक्षी अर्थ हो भगवत समर्पण द्वारा भगवत प्रसाद लाभ और कुछ नहीं। अर्चन मार्गे भगवत उपासना ध्यान का साथ, अर्चन मार्ग में भगवत उपासना ध्यान का साथ संसार ध्यान का सहित संसार कर्म करना उचित है। ब्रह्मा का हृदय में सृष्टि काम जरूर है, ये भी भगवान का इच्छा से
कोई अगर पूछे भगवान ब्रह्मा का अंदर में सृष्टिकम क्यों है, अगर ब्रह्मा जी का अंदर में सृष्टिकम नहीं है तो ब्रह्मा जी का अंदर में सृष्टि करने को बसना नहीं पैदा होगी पैदा। तो ब्रह्मा जी का अंदर में सृष्टि का जो काम है ये बड़ा अच्छा बढ़िया है, इसीलिए सृष्टि काम, इसी सृष्टि काम अगर भगवत आज्ञा का पालन रूप ध्यान के साथ जोड़ा जाए तब तो भगवान में शरणापत्ति लक्षणा भक्ति का अंतर्गत अनुकूल पोषणक गौण धर्म हो जाता है। ब्रह्मा के इसी प्रकार उपदेश दिया उचित हुआ। एक मिसाल दे दें आपको, देखिए आज खत्म करेंगे पीछा। ऐसा है जब मनु महाराज ने सोचा कि मेरा उम्र हो गया है, अब मैं चाहता हूँ अपना लड़का ये सब संभाले, लेकिन लड़का बड़ा लड़का प्रियपते चाहता नहीं, संसार राजपाट सिंहासन कुछ नहीं चाहता, वो जंगल में चला गया। जंगल में जाके भगवत का भजन का बारे में ब्रह्म हमारा इंद्र हमारा आपका वो जो नारद जी महाराज से उपदेश ले रहा है, गंधमदन पर्वत में गुफा पे बैठकर उपदेश ले रहा है। इतने में हमारा मनु जी महाराज बड़ा अफसोस किया, ये बेटा मानता नहीं मेरा बात, क्या करे, मेरा उम्र हुआ है, मेरे को जाना पड़ेगा छोड़ के, अब ये लेना नहीं चाहता जुमा। तो इन्होंने शिकायत किया ब्रह्मा जी का पिताश्री का पास, बोले पिताश्री आपका पोता ये संसार का जो सेवा हमको प्राप्त हुआ है भगवान ने ये नहीं करना चाहता, आप थोड़ा कह दो विचार करके कि आपका मान जाए, मेरा बात मानते नहीं। इस विचार को लेकर ब्रह्मा जी को लेकर मनु जी महाराज उसी पर्वत गुफा में पहुंचे। अब वहां जाके देखे नारद जी महाराज के पास तत्व ज्ञान सीख रहा है, ब्रह्मा जी को देख के सारे साधस आ गया, उठ के खड़ा हो गया दंडवत करके। हम लोगों में कहावत है ना, कहो कैसे कैसे आना पड़ा, ब्रह्मा जी अभी कैसे कैसे आना पड़ा इसी का खुलासा कर रहे हैं। बोले बेटा देखो, मैं शंकर तुम्हारा पिता तमाम सब भगवान का दासानुदास, अब ये संसार करने का मेरा अंदर भी कोई इच्छा नहीं, लेकिन भगवान का आदेश करना पड़ेगा, तो हमने कर रहा है तुम्हारा पिताश्री किया है, तो आपको भी भगवान का आदेश रूप संसार को पालन करना जरूरी है। आप अगर कहो दम नहीं करेंगे उचित नहीं है ना, ये भगवान का है ना आदेश, तो करना चाहिए। भयम प्रमत्तस्य वनेषु पिशाद यतः शास्ति सहसोट पत्निया जितेन्द्रियस्य आत्मरतेर्बुदस्य संसार बंधन किम नु करोति अवद्या। अच्छा ये बताओ, अगर आपका अंदर में तमाम इंद्रियोग्राम का कंट्रोलिंग आ गया, यूं समझ लो कि आपका अंदर में तमाम इंद्रियोग्राम का संयम है, तो कोई डर है क्या? संयम आ गया अकर, इसी भावना को लेकर अगर भगवान को सेवा, भगवान का सेवा करो, इसमें हमारा झमेला है झंझट है अब कौन करेगा ऐसा विचार नहीं आ सकता, क्योंकि जितेंद्रिय व्यक्ति हर हालत में सुख महसूस करता है, क्योंकि इसका अपना कुछ नहीं है आकर्षण। देखो बेटा, जिसका इंद्रियोग्राम अभी तक वशीभूत नहीं हो पाए,
अभी तक अगर किसी का इंद्रियोग्राम वशीभूत नहीं है तो उसके लिए क्या फायदा है जंगल में जाके बताओ। वो अगर जंगल में चले जाए हम भजन करेंगे अब क्या करें, वो तो अपना जड़ मन बुद्धि इंद्रियोग्राम अनर्थ सब लेके जाएगा ना जंगल में, तो वो परेशान करेगा, परेशानियां झेलनी पड़ेगी, ये तो होगा ही होगा। और देखो संसार को जय करके संसार में रहो तो उसमें क्या खराबी है। अच्छा चलो ऐसा करके मान के ब्रह्मा जी समझा दिया, पोता मनु जी महाराज ये आपका प्रिय व्रतो सोच समझ के वापस आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी का अंदर में एक बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा करोड़ों करोड़ों जनों में एक आदमी का ऐसा नहीं होता, मैंने कैसे इसको ये भगवत भजन में लगा था, हमने उसको घुमा के ला गया, ठीक नहीं किया, अब करना पड़ेगा, क्या करे, तो चलाएगा कौन हैं, चलाएगा कौन, तो जरूरी है ना। प्रहलाद महाराज जी भी भगवान को ये बताए, हमको आप सिंहासन में बैठने का कोई, अब बेटा देखो तुमको बैठना पड़ेगा, क्यों ना हम बैठे, नहीं बैठना पड़ेगा, क्यों ना बैठने से, तुम सिंहासन में बैठने से प्रीचिंग खूब जल्दी हो जाएगा, क्यों, अगर राजा अगर भक्ति है इसीलिए तुमको बैठना पड़ेगा। ध्रुव महाराज जी मैंने बताए हमको कुछ जरूरत है नहीं, लेकिन भगवान ने बोला ना तुमको लेना पड़ेगा, तुमको लेना पड़ेगा, तुम ना नहीं कर सकते हो, क्यों, ये मेरा सेवा है, हैं, ये मेरा सेवा है, आपको लेना ही पड़ेगा और ले लो, और क्या है उसमें कुछ खराबी नहीं है। तो ब्रह्मा के इधर में थोड़ा सृष्टि का कामना रहे, व्हाट रॉन्ग इन इट, ब्रह्मा का अंदर में भगवान इच्छा करके ब्रह्मा जी को रजगुण में विभावित किया, इच्छा करके शंकर भगवान को तमगुण में विभावित किया, ऐसा कैसा है, जैसे कोई पुलिस में काम करे कोर्ट में काम करे उसको एप्रॉन पहन के जाना पड़ेगा ना, कोर्ट में क्या होता है जो पीछा करता है ना उसको काला काला कोट पहनना पड़ता है, इतना गर्मी में भी बड़ा हैरान हैरान की बात है। और जब ही आगे चल के उसको करने का अधिकार है, पुलिस का बेस नहीं पड़ेंगे, हम धोती पहन के पुलिस स्टेशन में चले ही जाएंगे, पुलिस का नौकरी कर रहे हो, ये नियम है। तो ऐसा ही बाहरी विचार में ब्रह्मा जी को भगवान रजोगुण में विभावित किया और शंकर भगवान को तमगुण में विभावित किया, फिर भी दे आर एलूव फ्रॉम दैट, इस बात को अगर भूल जाओगे तो ब्रह्मा जी का चरण में आपका अपराध हो जाएगा, शंकर जी का चरण में आपका अपराध हो जाएगा। यद्यपि बाहरी एप्रॉन है लेकिन अंदर में ये लोग भगवान का भजन करते, ऐसा विचार ही ठीक है। ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि काम कामना कैसे रहेगा, अरे ब्रह्मा को रजोगुण से विभावित किया भगवान सृष्टि रचाने के लिए, अब क्या करे, इसका अंदर में काम सृष्टि काम है तो इसे ये काम करवाया भगवान अपना सेवा। सृष्टि काम अगर भगवत आज्ञा का पालन रूप ध्यान का साथ जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या खराबी है, क्योंकि उस समय भगवान का चरण में शरणापत्ति लक्षण रूप जो भक्ति है, भक्ति का अंतर्गत अनुकूल पोषक गौण धर्म हो जाएगा। ब्रह्मा को ऐसा उपदेश करके भगवान ने ठीक ही किया, भगवान अगर ब्रह्मा को ऐसा उपदेश ना देते तो हम लोगों के लिए भारी पड़ जाता, कैसे, अभी हमने देखा भी है बहुत सा आचार्य प्रचार में गया, एक हमने देखा हैरान हो गया है, क्या विचार है, अरे चलो चलो मठ में रहना क्या करोगे, अरे बच्चा पहन रहा है
पढ़ाई कर रहे हैं छोटा बच्चा, हमने हम तो देख के आश्चर्य है, उसका क्षमता नहीं है उसको कंट्रोलिंग करे, ही इज नाउ गृहस्थ हैविंग सम डिजायर इनसाइड। अभी वो गृहस्थी करते करते कभी अगर शुद्ध भक्ति समझे तो अच्छा है, तो गौड़ीय मठ में रहने से ही गौड़ीय मठ का हो जाता है, ऐसा कोई थोड़ी है। गुरु जी कहते थे ये गौड़ीय मठ में थरी है, है मठ में नहीं है, कोमठ में है, कोमठ उसको उसका व्यापार दुकान सब खत्म करके चलो 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 धाम में रहना बोल के उसका, जब उसका मन का भाव अभी संसारिक है, अभी वो मेटेरियल है, उसका आकर्षण है गुरु वैष्णव के जन अपराध हो जाएगा, उसका क्रियाकर्म समझेगा नहीं। बस बीबी को लेके चलो, बीबी कहाँ है, बीबी को लेके चलो कोई बात नहीं, बीबी को लेके चलेंगे, बच्चा का पढ़ाई उल्टा हो गया, अरे संसार किया है ना, इसका अंदर में तो ऐसा भक्ति नहीं पैदा हुई। जब किसी का अंदर में संसार असार ये अनुभव होता है तब तो अपने आप छूट जाएगा, तुम काहे उसको जोर जबरदस्ती लाए हो जबकि उसका अंदर में संसार है। असार संसार खलु दुख स्वरूप विमोह श्रुतः कश्य धनम कश्य स्नेहवान जलते अनिशम, ये अगर पैदा हो जाए तो ठीक है, लेकिन आपने उसका वैराग्य का उल्टा कर दिया, वैराग्य तो आया ही नहीं, वो बोलना शुरू कर दिया हमको, जैसे एक आदमी चैलेंजिंग मूड लेके बोलता है ना, मैंने मंदिर में गया ठीक है वृंदावन में, हमको देखा दंडवत तो हम चाहता ही नहीं, दंडवत का बात तो छोड़ ही दो, मैं दंडवत का लायक ही नहीं हूँ ऐसा सोचता हूँ, तो हमको देख के जैसे एक लोकल का एक गुंडा फुंडा बोलता है ना चंगड़ा, कहाँ रहते हो आजकल, हाँ आपका चरण में गुरु वैष्णव का चरण, दिखाई नहीं पड़ता आपको, आंखें खोलो तो दिख जाएगा, अब क्या बोले उसका झगड़ा करे। तो हमने सोचा यही एक ही आदमी परम माधव गोस्वामी महाराज के शिष्य है, वो पहले जब हम कृष्णनगर में जाते थे वो बिजनेस का काम पे थोड़ा मठ में रहता था, सुबह में चले जाते वहाँ बातें करते थे, कितना विनम्र है कितना स्वभाव है दामोदर महाथ, आप देखिए कि गुंडा कमा भी। हमने बोला देखो जो व्यक्ति अपना मंगल नहीं कर सकता है वो दूसरे का मंगल कैसे करेगा, चल 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 मठ में रहना, बीवी बच्चा सब लेके चल, अरे खुद का मंगल तो करके दिखा, खुद का मंगल करके तो दिखा उसका बाद उसको ले जाना, सत्यानाश कर रहे। किसी का अंदर में भगवत भक्ति आ जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये लोग तो उल्टा कर दिया। जो भी है आज ब्रह्मा जी को ऐसा उपदेश देना उचित रहा भगवान के लिए, भाव प्राप्त हो जो जीव भाव प्राप्त हुआ भगवत चरण में, भाव प्राप्त जीवों का अंदर में सहज रूप से कृष्णेतर वैराग्य उदित होना स्वाभाविक है, इसके लिए स्वाभाविक है। जिसका अंदर में भाव प्राप्त हुआ वो अपने आप विषय छोड़ देंगे, यहां तक कि विषय का अंदर में रहते हुए विषय का अंदर में नहीं है, जैसे युधिष्ठिर महाराज आई है, उसको वैराग्य पैदा कराने के लिए फिर से उपदेश देना ये क्या जरूरी है, ये तो अपने आप वैराग्य है। जो भी है अंतिम एक श्लोक रह गया, इसका चर्चा नेक्स्ट वीक में हो सकेगा शायद, आज होना संभव नहीं है। आप उसके बाद ब्रह्म संगीता का समाप्ति घोषणा किया जाएगा, मैं शर्मिंदा हूँ, बड़े बड़े महात्मा लोगों का आविर्भाव में हरि कथा बोलना ही मेरा जीवन है, लेकिन इतना पेपर वर्क है, इतना व्यस्तता है, कुछ करने का नहीं है, मैं क्या करूँ, बंद करना पड़ा।
उपाय नहीं है, अब तो ये कर ये होता नहीं, इसलिए क्षमा मांगता हूँ। हाँ, उपाय भी नहीं है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यस्यैव सन्यां भगो इति अंगनः वांछा कल्पतरुषि के पास सिंधु विवेचपति दानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।